नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रबंधन सूचना प्रणाली से प्राप्त आंकड़े के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों ने पाया है कि पिछले 4 सालों में मनरेगा की विभिन्न योजनाओं में 935 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी हुई है। राजद में राजनीतिक संकट को लेकर बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए तेज प्रताप को अलग से पार्टी बनाने की सलाह दी है। इसके साथ उन्होंने तेजस्वी को असंवेदनशील बताया है। भारत ने आपातकालीन खरीद के प्रावधानों के तहत रूस से बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफलें खरीदने का करार कर लिया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये करार देश की सशस्त्र सेनाओं के लिए किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रूस से मिलने वाली AK-103 असॉल्ट राइफल में से ज्यादातर भारतीय वायुसेना को दी जाएंगी। बिहार में महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग का काम पूरी तरीके से ठप हो गया है। विभागीय अधिकारी और मंत्री के उदासीन रवैये के कारण दोनों आयोग में 700 से अधिक मामले लंबित हैं, जिन पर सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं है। केरल का सबसे प्राचीन और पारंपरिक त्यौहार ओनम का आज शनिवार मुख्य पर्व है। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार की शुरुआत 12 अगस्त को हुई थी, जिसका समापन 23 अगस्त को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओनम की सभी देशवासियों को बधाई दी है। जदयू प्रवक्ता और शिवसेना की प्रियंका आपस में भिड़ गई हैं। एक टॉक शो के दौरान अजय आलोक ने शिवसेना नेता प्रियंका से कहा कि मैं आपको आईना दिखा रहा हूं। इस पर शिवसेना नेता ने पलटवार कर कहा कि मैं रोज देखती हूं, दिखाने की कोशिश ना करें। केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह आज एक बार फिर अपने गुस्से को रोक नहीं पाए। सड़कों की बदहाल हो रही स्थिति को देखकर उन्होंने कहा कि हम कौन सी योजना बनाए हैं, जब सड़क बन जाती है तो सीवरेज का काम किया जाता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर द कपिल शर्मा शो के मेकर्स ने प्रोमो शेयर किया है, जिसमें अक्षय के सेट पर इतनी जल्दी पहुंच जाने से हैरान परेशान सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। प्रोमो में दिखाई दे रहा है कि सेट पर अफरा तफरी का माहौल है। खेल के विकास के लिए योगी सरकार ने 2 खेलों को गोद लेने की घोषणा की है। इसमें से एक कुश्ती होगा, लेकिन दूसरा कौन सा होगा, इस पर चर्चा का बाजार अभी फिलहाल गर्म है। लोग सोशल मीडिया पर तमाम कयास लगा रहे हैं। इसमें बैडमिंटन से लेकर फुटबॉल तक तमाम खेलों की डिमांड हो रही है। हालांकि दूसरे खेल का चयन खेलकूद विभाग द्वारा होगा। दुनिया के शीर्ष 500 मूल्यवान कंपनियों में 12 भारतीय हैं। घरेलू कंपनियों में रिलायंस सबसे ऊपर है। हरून ग्लोबल 500 सूची में 48 कंपनियां इस बार बाहर हो गई हैं। इनमें 2020 में 480वें स्थान पर रहने वाली ITC भी शामिल है। हरून रिसर्च के मुताबिक भारतीय कंपनियों में TCS और HDFC बैंक दूसरे और तीसरे स्थान पर है। भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे की आशंका के बीच एक वैक्सीन का रास्ता खुल गया है। जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन के ट्रायल की अनुमति मांगी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी बयान दिया था कि बच्चों की वैक्सीन पर तेजी से काम किया जा रहा है। रिया कपूर ने हाल ही में लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड करण बुलानी से शादी की है। शादी के बाद उन्होंने इंडस्ट्री से जुड़े दोस्तों को एक स्पेशल कार्ड भेजा है, जिसमें लिखा गया है कि हमारे इस समय की परिस्थिति ने हमें अपने कई प्रियजनों को अपनी शादी में बुलाने से रोक दिया। स्टार स्पोर्ट्स ने भी हाल ही में एक फोटो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी का रॉकस्टार अंदाज नजर आ रहा है। स्टार स्पोर्ट्स ने अपने ट्विटर हैंडल से जो फोटो शेयर किया है, उसमें एक MS धोनी जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, वो इससे पहले कभी उन्हें ऐसा देखा नहीं गया था। संभावित तीसरी लहर के बीच जायडस कैडिला की वैक्सीन बच्चों के लिए जल्द ही आने वाली है। खास बात यह है कि जाइकोव डी एक निडल फ्री वैक्सीन है। ये जेट इंजेक्ट से लगेगी, ऐसे में दर्द ना के बराबर होगा। इससे वैक्सीन को हाई प्रेशर में लोगों की स्किन में इंजेक्ट किया जाता है। हाल ही में बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के फेसबुक पेज को अपडेट कर दिया गया है। इस पेज पर उनका नया प्रोफाइल फोटो लगाया गया है। उनकी तस्वीर को देखकर फैंस की आंखें नम हो गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं के परीक्षार्थियों की सूची जारी की है, जिन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलने वाला है। ये वैसे विद्यार्थी हैं जो पेंटिंग, म्यूजिक आदि विषयों में फेल हो गए हैं। देश के किसी भी क्षेत्र में रह रहे असंगठित मजदूर का अब लेबर कार्ड बनेगा। इस कार्ड से उन्हें सरकार के पास रोजगार तलाश करने में आसानी होगी। इस योजना की शुरुआत 26 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। शुरुआत के बाद जिला के हर कॉमन सर्विस सेंटर पर निःशुल्क इसका पंजीयन होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टोक्यो ओलंपिक के बाद अब आने वाले ओलंपिक खेलों में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की संख्या बढ़ाने और बेहतर प्रदर्शन की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य अगले ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहा है, जिसमें जूनियर स्तर पर ही खिलाड़ियों को तैयार करना शुरू किया जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में करीब 150 भारतीयों के अपहरण की खबर को भारत सरकार के सूत्रों ने गलत बताया है। सूत्रों ने बताया है कि सभी भारतीय पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि हम भारतीय की सुरक्षा के वादे और इसमें सहयोग के लिए स्थानीय अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं।
दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को परेशान कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली की सफदरजंग वेधशाला ने पिछले 24 घंटे में 8:30 बजे तक 138.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। बारिश ने 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगस्त में पहली बार 1961 के बाद इतनी बारिश हुई है। जोधपुर के रहने वाले एक भाई ने अपनी बहन को रक्षाबंधन पर अनोखी श्रद्धांजलि देने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत उसकी बहन का 5 साल पहले ही निधन हो गया था। उसकी याद में भाई हर रक्षाबंधन पर सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों बहनों को उनके भाइयों तक निःशुल्क यात्रा करवाता है। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर मनसुख मंडाविया की एंट्री के बाद निर्माण भवन का माहौल बदल गया है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एकदम स्पष्ट जानकारी दी गई है, जिसमें दूसरी लहर के अनुभव से सीखना, संभावित तीसरी लहर की तैयारी करना, टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाना शामिल है। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। यात्रियों की मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे लगातार ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी कर रहा है। रेलवे जहां कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनों को फिर से बहाल कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार स्पेशल और नई ट्रेनों की संख्या भी बढ़ा रहा है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स के लेटेस्ट एडिशन में वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 के एक्टर मनोज बाजपेयी और एक्ट्रेस समांथा अकी नैनी को विनर घोषित किया गया है। यह अवार्ड सेरेमनी शुक्रवार को वर्चुअल तौर पर हुआ। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने गुरुवार को जायडस कैडिला की कोरोना वायरस वैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद जायडस ग्रुप के MD डॉक्टर शर्वीर पटेल ने कहा है कि उनके टीके की आपूर्ति सितंबर के मध्य से शुरू हो जाएगी। चीन के मॉडल गांव की बात से विवाद उठना शुरू हो गया है। मालूम हो कि कुछ दिनों से चीन भारत के सीमा पर लगातार मॉडल गांव बनाने में लगा हुआ है, लेकिन इस दौरान ये खबर भी सामने आई है कि चीन मॉडल गांव की आड़ में चीनी बंकर बनाने में लगा हुआ है। कंगना रनौत अपनी हर फिल्म में लीक से हटकर रोल निभाती है। उनकी एक्टिंग और बेबाक अंदाज के फैंस भी काफी दीवाने हैं। वहीं अब कंगना अपनी अपकमिंग फिल्म तेजस में एक पायलट बनने जा रही है। इसके लिए कंगना ने सभी तैयारी शुरू कर दी और अपनी शूटिंग भी शुरू कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डेटा स्टोर करने की नीति को संशोधित करते हुए नए दिशा निर्देश को जारी कर दिया है। संशोधित नियम भुगतान एग्रीगेटर्स और व्यापारी जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और नेटफ्लिक्स को ग्राहकों के कार्ड की जानकारी का सर्वर या डेटाबेस पर स्टोर अब नहीं कर पाएंगे। गुजरात के कच्छ में शनिवार दोपहर 4.1 तीव्रता का भूकंप आने से हड़कंप मच गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप शनिवार दोपहर करीब 12:08 पर आया है और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 है। स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार को जारी किए गए डेटा के अनुसार कोरोना के कुल मिलाकर 34,457 नए मामले आए हैं। वहीं इस दौरान 375 लोगों की जान चली गई है। देश में कोरोना के 3,61,340 फिलहाल एक्टिव मामले बचे हैं। यह आंकड़ा 151 दिनों में सबसे कम है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अंजलि क्रिएशन, जयेंद्र कुमार, प्रेम कुमार, राजू पांडे, जितेंद्र ठाकुर, मनु कुमार, जनार्दन सिंह, जूही, रवियांश कुमार, ओमकार सिंह, मधु कुमारी, प्रियतम कुमार, राजेश गुप्ता, सिफोन ठाकुर, मनीष कुमार, विवेक कोबरा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत में कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट का अहम कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।